हेलो दोस्तों, आज का हाउस प्लान साउथ फेसिंग सेमी वास्तु का हाउस प्लान है और इस हाउस में सेमी वास्तु इसलिए है क्योंकि ये प्लान हमें पर्सनली काफी अच्छा लगा था, इसलिए हमने इसको वीडियो के अंदर ऐड कर लिया। तो दोस्तों एक बार आप इस प्लान को जरूर देखें। और आज का प्लॉट साइज हमारा 30x50 फिट का है और ये हमारी 30x50 की लास्ट वीडियो है हमारी सीरीज की। इससे पहले आपको ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ फेसिंग की वीडियो मिल जाएंगी, आप उनको एक बार चेक कर सकते हैं। उससे पहले भी हमने हमारे चैनल के अंदर बहुत सारे अलग अलग साइजेस की हमने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो आपको वहां पर 80-90 वीडियोस आराम से देखने को मिल जाएंगी। आगे भी इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो की ज्यादा जानकारी के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पर आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी यहां पर देखने को मिल जाएगी और इसके जो प्लान के लिंक है वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। और क्या तो दोस्तों इसके बाद आप इसका फ्रंट एलिवेशन आप यहां पर देख सकते हैं। आपको यहां पर फ्रंट एलिवेशन जो है वो आपको यहां पर मॉडर्न लुक में देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप इसकी बाउंड्री वॉल का डिजाइन देख सकते हैं और आप हाउस के फ्रंट में देख सकते हैं आपको यहां पर ओपन स्पेस देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम यहां पर पार्किंग की बात करें तो आपको यहां पर पार्किंग 20x11 फीट की अप्रॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और अच्छा आपको यहाँ पर इनर का जो इन व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अभी हम एंटर करते हैं हाउस के ड्राइंग रूम एरिया पर। इसको आप ड्राइंग रूम हॉल बोल सकते हैं, यही आपका लिविंग एरिया हो जाएगा और इसका साइज आपका अप्रोक्स 16x9x13 फीट का रहेगा, जो कि आपका यहाँ पर बहुत बड़ा आपको यहाँ पर हॉल देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्लॉट के हिसाब से काफ़ी अच्छा साइज है। बाकी आप इसके इंटीरियर देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आगे चलिए, तो आपको यहाँ पर हाउस का जो डाइनिंग हॉल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसका साइज़ आपका 17x6x12 फीट का रहेगा। आपको यहाँ पर अच्छे साइजेस देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ आपको इस हॉल की एंट्री अलग से पार्किंग एरिया से भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो आपकी यहाँ पर एक पर्सनल एंट्रेंस रहेगी। और दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर हाउस का जो किचन एरिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ब्रेकफास्ट काउंटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इस किचन का साइज 11x3x10 फीट का रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा साइज है। और इससे आगे बढ़े तो आपको यहाँ पर हाउस का जो पूजा रूम देखने को मिल जाता है, इसका साइज 11x3x6 फीट का रहेगा और आपको एक साइड में आप इसको एज ए यूटिलिटी एरिया आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप हाउस के बैक साइड में देखें तो आपको यहाँ पर ओटीस देखने को मिल जाएगा और ऊपर यहाँ पर हमने एक बड़ा जाल लगा दिया है अच्छी वेंटिलेशन के लिए। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम आपको हाउस के कॉमन टॉयलेट की तरफ लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं स्टेयर के नीचे का एरिया है, हमने इसको प्रॉपर यूज़ किया है, हम आपको आगे दिखा देंगे। अच्छा आपको यहाँ पर एक वॉश बेसिन देखने को मिल जाता है और ये है हमारे हाउस का कॉमन टॉयलेट। इसका साइज 7x3x5x3 का रहेगा। आप देख सकते हैं स्टेयर का नीचे का एरिया हमने जो यहाँ पर हमारी टॉयलेट सीट है उसके लिए हमने यूज़ किया है और जो इस टॉयलेट की वेंटिलेशन है वो ओटीएस के थ्रू होगी। आपको यहाँ पर एक छोटा सा ओटीएस अलग से देखने को मिल जाएगा, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम आपको हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ लेकर चलते हैं। इस बेडरूम का साइज 12x12 फिट का है और इंटीरियर आप इसका देख सकते हैं अच्छे। आपको यहाँ पर सामने टीवी पैनल, बैक वॉल को आपको यहाँ पर अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, अच्छी आपको यहाँ पर वार्डरोब देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों आपको इस रूम के साथ अटैच ड्रेसिंग और आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ आपको यहाँ पर अटैच एक सीक्रेट रूम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे स्टेयर के नीचे का एरिया है, हम आपको वो आगे दिखा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे स्टेयर के नीचे का एरिया है जो आपका एक आप इसको सीक्रेट रूम या आप इसको एज ए स्टोर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं जो अटैच टॉयलेट है हमारे बेडरूम के साथ,
ये देख लीजिए, आपको अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है। इसका साइज आपका 4 फीट 6 इंच बाय 9 फीट का रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा साइज देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आपको यहाँ पर लगभग सभी रूम के साथ अटैच ड्रेसिंग और आपको यहाँ पर टॉयलेट देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ एक रूम को छोड़ के। तो आइए इसके बाद हम स्टेयर से होते हुए हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलते हैं। ऊपर हम आपको दिखाते हैं, आपको हमने यहाँ पर हमारे हाउस का फैमिली लाउंज एरिया हमने ऊपर एक डिज़ाइन किया है, आप देख लीजिएगा। और एंटर करते ही आप देख सकते हैं सामने आपको हाउस का फैमिली लाउंज एरिया दिख गया होगा। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। इसका साइज़ 17 फीट 6 इंच बाय 18 फीट का है, काफ़ी अच्छा स्पेशियस है। आपको यहाँ पर फैमिली लाउंज एरिया देखने को मिल जाता है। बाकी आप इसकी सीलिंग वगैरह देख सकते हैं। हम आपको इसके बाद आगे लेकर चलते हैं, जो इसकी फ्रंट में बालकनी है वो आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं और इसका साइज़ आपका 11 फिट 9 इंच बाय आपका 13 फिट का रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा साइज़ देखने को मिल जाता है। अच्छी वार्डरोब, सामने टीवी पैनल, अटैच ड्रेसिंग प्लस आपका यहाँ पर टॉयलेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अटैच ड्रेसिंग मिल जाता है यहाँ पर, और इसी के साइड में आपको अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, जो आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं हाउस के कॉमन टॉयलेट की तरफ। आप यहां पर देख सकते हैं ये है हमारे हाउस का कॉमन टॉयलेट और इसका साइज 7 फीट 3 इंच बाय 5 फीट और 3 इंच का रहेगा। तो दोस्तों इससे आगे हम आपको लेकर चलते हैं हाउस के थर्ड बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं इस बेडरूम का साइज आपका 11 फीट 3 इंच बाय 16 फीट का रहेगा। अच्छा स्पेशियस आपको यहां पर बेडरूम देखने को मिल जाता है और इसकी जो वेंटिलेशन है वो OTS के थ्रू होगी। और दोस्तों इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं हमारे हाउस के फोर्थ बेडरूम यानी हमारे हाउस के लास्ट बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं इंटीरियर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है और इस बेडरूम का साइज़ आपका 12 बाय 12 फिट का रहेगा। और अच्छा आपको यहाँ पर बैकबोर्ड डिज़ाइन, अच्छी आपको यहाँ पर वार्डरोब, इंटीरियर का अच्छा आपको यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर अटैच ड्रेसिंग देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसी ड्रेसिंग के साइड में देखें तो आपको इसी के साथ अटैच टॉयलेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम आपको हाउस के टेरेस एरिया की तरफ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आप टेरेस एरिया पर एंटर करते ही आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर एक वुडन का डेक देखने को मिल जाता है अच्छी सीटिंग के साथ। और जो यहां पर प्लांटिंग है वो तो आप यहां पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर प्लांटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ दोस्तों आपको फ्रंट में यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन और स्विंगर देखने को मिल जाएगा, OTS वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों और इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी के साथ हम आपसे अभी के लिए अलविदा लेते हैं, हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।